के डाली तेल मसाल में, के डाली तेल मसाल में सियासत फैसला करे वाला बा, सियासत फैसला करे वाला बा, लागल बा आग पानी में, लागल बा आग पानी में, खिलाई कब तक चली, के फैसला करे वाला बा। गोड़ा तनी हेरा से अभिनंदन बरवल के अपना कार्यक्रम जना का नाम हो खुटा ठोक के। दो दिन के रुआ लोग से विछोह के बाद आज फिर से मुलाकात बा, और मुलाकात में बहुत सारा ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम बा जौन बड़ी तेजी से बदलल बा। ये बदलल घटनाक्रम में एगो सबसे बड़ा घटनाक्रम ये भइल बा कि नीतीश कुमार जी के बाद जीतन राम मांझी जी भी दिल्ली के तरफ प्रस्थान कर दिल बड़े, और इनकर कहना बा, उनका पार्टी के लोग के कहना बा कि उहो गइल बड़न इलाजे करवावे खातिर। का 16 साल में नीतीश कुमार, 15 साल में लालू प्रसाद, और लगभग 3 दशक से ऊपर समय में कांग्रेस ऐसा अस्पताल ना बना पाओ कि जहाँ से एजा के महानुभाव लोग के इलाज हो सके? ये सवाल ऐजे छोड़ के जाता निरुआ लोग के, जवाब रुआ लोग से जरूर चाहब, लेकिन ये सिर्फ इलाजे तक बात सीमित बा कि लोग के जाए के पीछे कोनो सियासी कारण बा? हालांकि जदयू के लोग के कहना बा कि कोनो सियासत नहीं खे, सिर्फ इलाज करावे नीतीश कुमार जी गलबान, लेकिन जना बात खातिर जीतन राम मांझी के पार्टी जाना जाला कि कोनो बात के लगा बजा के ना बल्कि सीधा सीधा कह देवेले, वैसे ही एहू बात पर साफ तौर पे कहले है कि राजनीतिक व्यक्ति अगर कहीं जाला तो बिना राजनीति के उ ना रह सकेला, और ना लोग रोकरा ओकरा के रहे दी। निश्चित रूप से जीतन राम मांझी जब दिल्ली गए बा तो बहुत सारा कारण बा, बहुत लोग से बातचीत हुई, बहुत तरह के या चर्चा हुई, जौन जौन संभावना बा संभावना पर विचार हुई, इमें कोनो दुराय नहीं है। लेकिन वही अब ए बात के लेकर के दिल्ली में जौन जुटान भइल बा, जमघट लागल बा, ओकरा के लेकर के अब बहुत तरह के चर्चा और विचार शुरू हो गइल बा बिहार में। खास करके राजनीतिक जौन बयानबाजी चल रहा बा ओकरा से कई बार अंदेशा हो रहा बा कि उथल पुथल हो जाई, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाई, घटना हो जाई, सुनामी हो जाई, सरकार गिर जाई। एने दूसरा तरफ तेजस्वी यादव दिल्ली से आवते लोग से ही कह दिले है कि 2-3 महीना में सरकार गिर जाई, एहू बात के लेकर के अब चर्चा जबरदस्त होता। कहीं ऐसा तो ना कि बात में पूरी तरह से सच्चाई बा और एक तैयारी दिल्ली में हो रहा बा? ए बात पर चर्चा करे के जब शुरुआत रुवालों से करता नहीं तो एक में बहुत लोग के विचार बात और सबके कड़ी जोड़ला के बाद सिकर तैयार होके के अंदाजा लगावल जा सकेला, जौना सिकर में सरकार के ताला में बंद कर जा सकेला। भारतीय जनता पार्टी इस सारा मामला पर चुप्पी सधले बा और का कुल हो रहा बा एकरा पर पूरा पैनी नज़र बना के रखले बा। हलचल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी होला, अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्य समिति के बैठक करता रहन, लोग से बात करता रहन, कोर टीम के बुला के दिल्ली में मंत्रणा करता रहन, एकरा पीछे सिर्फ लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी या चिराग पासवान नहीं खन, एकरा पीछे बिहार के उस सरकार बजन और सरकार के लेकर के चिंता बढ़ गई बा। भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सांप छुछुंदर वाला हाल हो गई बा, इन्हें जाई कि उन्हें जाई, का फैसला करी? एगो राज्य में सरकार बा, उस सरकार कहीं गिर मत जाओ। यह बात के लेकर के बहुत सारा बयानबाजी भी शुरू हो गई बा। रुवा लोग के सुशील मोदी के बयान सुनौले रहनी है। सुशील मोदी ओकरा पहले कई गो ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता बना, सांसद और विधायक बना, जौन कि ई बात कहत रहले हा कि मदरसा और दलित समाज आतंकी और नक्सली बनावेला। यह बात के लेकर के जीतन राम मांझी के पार्टी से जब के विद्रोह भइल, और यहाँ तक ले कि कड़ा शब्द में भारतीय जनता पार्टी के चेतावनी भी दिहल गई। एक खाली फिर दानिश रिजवान से बातचीत के दौरान ये बात वो स्पष्ट कहले है कि निश्चित रूप से जे गलती कैले बा, जे इन्वॉल्व बा, या फिर जाँच में निकला था कि एकरा में कोनो तरीका के घटना बा, केहू के संलिप्तता बा, तो ओकरा के कड़ी से कड़ी सजा दिया जा सकला है, जितना कड़ा सजा होगा उतना कड़ा सजा दी। लेकिन कोई खास व्यक्ति के
गलत कैला के मतलब ई ना कहल जा सकेला कि उ पूरा समाज वही काम में इन्वॉल्व बा। ई बात बहुत पहले से चल रहा बा और विपक्ष के कहना बा कि भारतीय जनता पार्टी जब देख लेलस ओकरा समझ में आवे लागल या अंदेशा हो गई कि बिहार से ओकर गोरी कबर जाई तो वह तरीका के बयानबाजी शुरू कर दिले बा। लेकिन एकरा पीछे नीतीश कुमार पूरे मामले पर अभी तक चुप बा। सरकार 5 साल चली यह बात के लेकर के बार बार जदयू के तरफ से बयानबाजी हो रहा बा। बात तो 2015 में भी होत रहे। 2015 में जब नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद के संगे रहन तौना घड़ी भी कहले रहन कि भारतीय जनता पार्टी के अब कभी अपना जीवन में साथ ना जाई, ना साथ रही, ना बिहार में फिर भटके देव। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 साल से भी कम समय में अपना के फिर से जोड़ ले। आज विपक्ष के और खास करके जौन सबसे पुरनिया पार्टी बा इस देश के कांग्रेस, ओकरा कहना सीधे तौर पर यह बा कि देश जौना जगह पर आके खड़ा हो गई बा, जौना मोड़ पर खड़ा हो गई बा, वह मोड़ के बाद इन्हें खाई बा और इन्हें मौत बा। अब केने जाए के बा ये फैसला खास करके करे के पड़ी वह लोग के जौन बिहार के हित चाहता, नीतीश कुमार जी होकस, जीतन राम मांझी होकस या फिर मुकेश सहनी होकस। एकरा अलावे भी जौन जदयू के लोग बा ओकरों के आह्वान अजीत शर्मा सीधे तौर पर करतान कि बिहार के हित खातिन, बिहार के हक हुकूक खातिन, बिहार के बदले खातिन सब कोई के साथे आवे के पड़ी और सब लोग के हम आमंत्रित करतनी साथ मिल करके और बिहार और देश के संभाले खातिर शुरुआत कर जाओ। जौना कांग्रेस पर लगातार आरोप लागत रहे कि वो इस देश के बर्बाद कर दलस, आज वह कांग्रेस के एक बार फिर से लोग खोजे लागल बा। इस सारा चर्चा के बीच में जौन जीतन राम मांझी के बात भइल उरुआ सुनबे कैनी। शत्रुघ्न सिन्हा बाहर अइले हा, शत्रुघ्न सिन्हा बाहर आकर के और एक बात भले वो स्पष्ट तरीका पर ना कहले हा कि भारतीय जनता पार्टी के पुरान एजेंडा हा कि जब तरह से काम खत्म हो गई तो धीरे से तरह से किनारा कर ली। चिराग पासवान के लेकर के शत्रुघ्न सिन्हा भी जनरो की भारत लाइव पर रुआ लोग खबर भी देख लो कब और भी चैनल देखौले रहे, NDTV के खबर भी रहे कि शत्रुघ्न सिन्हा का कुछ कहता। शत्रुघ्न सिन्हा साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील भी कैले है कि चिराग पासवान के साथ जे कुछ भी हो रहा बा ओकरा पर उनका ध्यान देवे के चाहिए, कारण कि जब कोई खड़ा ना रहे तो चिराग पासवान साथे खड़ा रहो। ये सारा बात के लेकर के अब बयान पर बयान आ रहा बा। चिराग पासवान के भी बयान रुआ लोग सुन ले हो कब, बयान तो रुआ लोग तेजस्वी यादव के भी सुन ले हो कब कि अपना टीम के बड़ी मजबूती के साथ फिर से रिवाइवल के दौर में ले आई बा और नया नया तरीका से वो कैसे सरकार और सरकार के गलत नीति के सामने जनता के रखल जाई ओकरा खातिर टीम तैयार कर ले बड़े। ये सब बात के बीच में एक बात बहुत महत्वपूर्ण बा कि जितना भी बिहार से जुड़ल राजनीतिक दल बड़े वो सारा नेता लोग दिल्ली में जुटान हो गई बा, सिर्फ मुकेश सहनी के छोड़ करके। मुकेश सहनी अभी उत्तर प्रदेश के तैयारी में लागल बा और जल्दी दिल्ली वो पहुँची हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार दिल्ली में बड़न, जीतन राम मांझी जो उनका सहयोगी बड़न दिल्ली में बड़न, भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा सरकार के दल बा वो दिल्ली में बा, दिल्ली में बाकी सब लोग के बुला लिहल गई बा। एक साथ साथ कांग्रेस के जो सुप्रीमो बाड़े वो दिल्ली में बाड़े, लालू प्रसाद दिल्ली में बाड़े और इस सब लोग के कहल जा रहा बा। जीतन राम मांझी भी संभावना ये व्यक्त कर जा रहा बा कि अब की हाली कोई बड़ा फैसला करके ही आई है। एक मतलब बा कि पूरा बिहार जब दिल्ली में जुटल बा तो निश्चित रूप से बिहार के कुछ ना कुछ फैसला हुई कि एकरा मिली बिहार के कमान। यह बात के लेकर के अब मंथन के दौर शुरू हो गई बा। नीतीश कुमार जी मुखिया जरूर बाड़े लेकिन वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार जी के हाथ बंधल बा ये बात अब समझ में आ रहा बा। नीतीश कुमार जी खुद यह बात के महसूस करते रहे और भले वो मुँह से मत बोलस लेकिन उनका क्रियाकलाप से, उनका भाव भंगिमा से यह बात के पता चलता। बिहार एक बार फिर से पिछड़ गई बा। जो नीति आयोग के आंकड़ा आई रहे वो लोग देखबे कहीं नहीं, भारत लाइव बड़ी प्रमुखता से वो बात के बतौले रहे कि सारा राज्य के सबसे फिसड्डी राज्य बिहार घोषित भइल बा। 16 साल शासन कैला के बाद अगर ई स्थिति होके तो निश्चित रूप से फैसला के घड़ी आ गई बा और शायद जौन मुँह से नहीं कहत लोग उ बात के फैसला करे खातिर दिल्ली में जुटान भइल बा, कारण कि बिहार में अगर जुटान हुई त
तो बात उतना खुल के ना आई थी या फिर फैसला करे में समस्या हुई थी। दिल्ली में एकांत में बैठ करके एकच बैठ करके और ये फैसला के लेवे खातिर नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, लालू प्रसाद और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी अपना के तैयार कर रहा हुआ। फैसला बड़ा हो सकेला और फैसला गंभीर भी हो सकेला। अगर बिहार के हित खातिर कोई फैसला होता तो निश्चित रूप से बिहार के जनता भी वो फैसला के स्वीकार करी। नीतीश कुमार जी जैसे जैसे चले संख्या बल उनका लगे रहे वो अपन फैसला करत गए। 2015 में नीतीश कुमार जी के बहुमत मिला रहे महागठबंधन के सरकार बनावे के, लेकिन बीच में ही सरकार ध्वस्त हो गई रहे और नीतीश कुमार जी चहले तो जनता के फैसला के टार करके भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में वापस ले आ दिले। अब एक खाली फिर वो समय आ गई बा जना में कहल जा रहा बा और वो दिन से कहल जा रहा बा जना दिन परिणाम आए कि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं मुश्किल के दौर से गुजरता रहे और भीतर ही भीतर असहज वाले, कारण कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के संगे मिल करके और उनका परेशान करके उनका सीट कम करके रचना रच ले रहा, जना के कि कई बार चिराग पासवान भी खुलासा कर चुकल बढ़े। अब स्थिति ये बा कि का भारतीय जनता पार्टी के चुप्पी कोई नया परिवर्तन लेके आई या फिर नीतीश कुमार जी के दिल्ली प्रवास कोई नया बिहार खातिर योजना लेके आ रहा बा या फिर जौन जीतन राम मांझी गइल बाड़े बीच में मांडवाली कर कहल जाला उ करे खातिर बीच में दोनों के जोड़े खातिर जहां उनकर बात लालू प्रसाद से पहले भी हो चुकल बा, नीतीश कुमार से भी बात हो चुकल बा, ओकरा बाद कहीं ऐसा तो ना कि जीतन राम मांझी गइल बाड़न दोनों के बीच में संवाद बढ़ावे खातिर और कोई समझौता करे खातिर। ये सारा बात पर हमनी के नज़र बा, भारत लाइव रुवालों के नज़र रखले बा। देखत रही सब भारत लाइव खूंटा ठोक में आज यही रुवालों से इजाज़त चाहब। कल फिर भेंट करे के वादा के साथ रुवालों से निहोरा बा, हाथ जोड़ी बा कि भारत लाइव के उतने प्यार आशीर्वाद दही सब है। 8 लाख परिवार के सदस्य बनावे खातिर अपना गोतिया पटीदार हित नाता संगी सलेहर जे भी बा उनका के जोड़ी सब है सब्सक्राइब करवाई, बेल आइकन दबा करके मुफ्त में सेतिया में सब खबर वहाँ सब तक पहुँचे के कोशिश करी। अगर नीमन लगे खबर तो शेयर जरूर करी और खास करके भोजपुरिया समाज से आग्रह बा, निहोरा बा कि रउआ लोग काहे पीछे आइल बनी। 12 करोड़ भोजपुरिया समाज और अकेला खूंटा ठोक प्रण के रउए लोग के हिम्मत और बल के साथ शुरू कैले।